लेकिन प्लीज आप ये मिठाई स्वीकार कीजिए। धन्यवाद शर्मा जी। मैं आप लोगों के लिए चाय ले आऊं? हाँ बेटा। दीपू एक्चुअली दूध खत्म हो गया है, मैं दूध लेके आता हूँ। सुनो बेडरूम के ड्रॉअर में ना कुछ चेंज है तो वो ले जाना। हाँ ठीक है। है मेरे पास, मैं लेके आता हूँ। ओके तब तक मैं पानी गैस में रख देती हूँ, पापा जी को स्ट्रॉन्ग टी पसंद है। हाँ बेटा। और बताइए सब ठीक, सब खैरियत? शर्मा जी जिस बाप का इतना बड़ा जवान बेटा बेरोजगार बैठा हो उस बाप के लिए खैरियत क्या, परेशानी क्या? अब अगर हमारे पास पैसे होते तो हम उसके धंधे में लगा चुके होते अब तक, पर हमारे पास तो है नहीं। वो क्या कहते हैं, स्टार्टअप इंडिया है ना, लेकिन हमारी तो जमीन खेती सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। शर्मा जी अब आप ही देखिए ना, आपकी बेटी है, प्रेग्नेंट है, आज नहीं तो कल उसे। हम ये कह रहे थे कि आज नहीं तो कल दीपिका को छुट्टी तो लेनी ही होगी काम धाम से। भाई माँ बनना भी किसी नौकरी से कम नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक तरह का काम है। अब आपने तीन तीन बेटियों को बड़ा किया है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि नहीं? देखिए परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए चाय। एक्चुअली फ्रिज में ना थोड़ा सा दूध था, शायद वरुण को पता नहीं था, मैंने उसी की चाय बना दी। अच्छा पापा मैं चेंज करके आती हूँ। यकीन नहीं हो रहा ये सब कर रहे हैं मिलकर पल्लवी और आकाश। मुझे समझ में आ गया दीदी, मैं बताती हूँ आपको। 11 बजे वाले शो में मैंने देखा था। नहीं देखिए हमारा आकाश जो है ना एकदम सीधा साधा गऊ जैसा लड़का है, पर ये पल्लवी बहुत ही चंट लड़की है। उसने और उसके पापा ने मिलके हमारे आकाश पे जादू टोना किया है। हाँ मैंने देखिए ना, जब से ये लड़की आकाश की जिंदगी में आई है हमारा आकाश कितना बदल गया है। किसी जादू टोना उतारने वाले के पास लेके चलते हैं उसे। कुछ भी बोल रही हो कुसुम, दिमाग लगाकर इन सब चीजों पे रोक लगाने होगी। मना करने के बावजूद पल्लवी अपने पापा के घर चली गई और आकाश भी साथ में। अरे आप थोड़ा तो सोच के देखिए दीदी। देखिए आप आकाश को गुस्से में आकर डांट पटक देती है, मगर बाद में क्या होता है, वो दो चार प्यार से मीठी मीठी बातें करता है, आप पिघल जाती है, आप माफ कर देती है उसे, है कि नहीं? गाड़ी का हॉर्न है, लगता है आ गई बहुरानी। अब देखिए अब वो आपके सामने एकदम सीधी साधी गुड़िया बन के खड़ी हो जाएगी और ऐसी बातें करेगी जैसे उसकी जैसी सीधी साधी पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। आकाश ने तो समझाया होगा, लेकिन मैं भी एक बार मम्मी जी से बात करूंगी, आई एम श्योर वो मेरी बात समझेगी। लेट हो गया है, अभी तक तो सबने खाना खा ही लिया होगा। वाह दीदी ये काम बहुत बढ़िया किया आपने, डोर बेल ही बंद कर दी, अब खड़ी रहने दो महारानी को घर से बाहर, वो भी ठंड में। उनसे झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है अब पता चलेगा। लगता है सब सो गए हैं, लेकिन डोरबेल कैसे बंद हो गए? मामी जी, कुसुम चाची, भाभी, चाची के रूम के विंडो पे देखती हूँ। चाची जी के भी रूम की लाइट बंद है, कैसे अंदर जाऊंगी अब?
आकाश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं दवाई खा के शायद सो गया होगा, बैटरी भी लो है। जी वो दरवाजा लॉक है, खोल दीजिए ना प्लीज। मैं तुम्हें इस घर में कभी वापस नहीं आने दूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, दरवाजा। ऐसा क्या हो गया कि माँ ने मुझे अनसुना कर दिया? बाबू जी, लेकिन दीपू को ये बात पसंद नहीं है। अरे अब ये दीपू दीपू का जो है ना झुनझुना बजाना बंद करो। घर में मर्द कौन है? तुम या वो? साड़ी कौन पहनता है? तुम या वो? होना तो ये चाहिए था कि उसे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन वो उल्टा रहा है। तुम उसके पीछे पीछे भाग रहे हो लट्टू बनके। चार पैसे क्या कमाती है कि तुम्हें उंगलियों पे लट्टू की तरह नचा रही है? लेकिन कल को जब वो काम करने की हालत में नहीं रहेगी ना, तो क्या करोगे? सोचा है कुछ? कटोरा लेकर फुटपाथ पे बैठोगे? सुनो, बीवी के साथ रोटी बांटो, बिस्तर बांटो, बातें नहीं। कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसे। तुम्हारे ससुर मान गए हैं, जाओ जाकर मिल लो, जितना पैसा चाहिए ले लो। कौन से पैसे? क्या पैसों की बात हो रही है? हम बताते हैं बेटा कि हमारे बीच क्या बातें हो रही थी। दरअसल वरुण के पास कुछ काम नहीं है ना, तो हमने सोचा कि इसकी दुकान के लिए हम कुछ पैसे दे दें। बाप हैं, अब इतना तो कर ही सकते हैं। दुकान? स्टार्टअप। हाँ। पापा, इस उम्र में आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम मैनेज कर लेंगे। अरे नहीं बेटा, माँ बनोगी तो सब समझ जाओगी। दरअसल माँ बाप हर उम्र में अपने बच्चों के लिए परेशान ही रहते हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, आराम से जाकर सो जाओ। ठीक है बाबूजी, अगर वरुण को कोई एतराज नहीं है तो मैं कौन होती आप दोनों के बीच आने वाली। चलो इसी बहाने वरुण का सपना भी पूरा हो जाएगा। मैं और आकाश मिलकर सब संभाल लेंगे। हमारा फैसला अलग है पर गलत नहीं। सुबह, नया दिन। जयदेव शर्मा, तुम कुछ ज्यादा ही आलसी हो गए हो। वॉक पे कब निकलोगे? सर्दी का मौसम, शॉल ले लो भाई। जयदेव शर्मा, पल्लो भी ना, मैं अपना जैकेट यहीं पर भूल गई। पता नहीं उसका दिमाग कहां रहता है। चलो जयदेव शर्मा, पार्क जाने का प्लान कैंसिल, वॉक पे चलते हैं। पल्लू की है जैकेट लौटाने लगे हाथ, मिठाई का डब्बा भी दे दो। व्हाई नॉट। पल्लू को ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। पल्लू तो बहुत खुश हो जाएगी इस सरप्राइज से।
अरे भाभी ये यहाँ ऐसे क्यों पड़ी हैं? भाभी ये भाभी यहाँ ऐसे पड़ी हैं। एक मिनट मैं देखती हूँ। अरे वो तो बुखार से तप रही है, पर ये है कौन? वो नई भाभी है अवस्थी जी की, आकाश भैया ना उनकी बीबी। पर ये बाहर क्यों पड़ी हुई है? लगता है ठंड की वजह से बेहोश हो गई है। अरे तो बेल बजाओ, दरवाजा खटखटाओ, रुको मैं देखती हूँ। दरवाजा ही नहीं खोल रहा, लगता है सब सो रहे हैं। भाभी को उठाने की कोशिश करते हैं। पूरी रात सर्दी में पड़ी थी बेचारी, नाक भी लाल पड़ गई है। निमोनिया तो नहीं हो गया ना इसको? ये सर्दी है, कहीं छाती जम गई तो बेमतलब का फजीहत हो जाएगा। एक काम करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं और फिर इनको उठाते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, बहू घर के बाहर पड़ी है और सब अंदर सो रहे हैं। ये भीड़ क्यों है? हेलो, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.